ये बजट देश के विकास के लिए एक मजबूत कदम है। ये बजट एक प्रकार से हमारा फ्यूचर है, सपने को साकार करने का ठोस कदम इस बजट में साफ साफ नजर आता है। एक अन्य महत्वपूर्ण कदम है कि रेलवे बजट को जनरल बजट में मर्ज कर दिया गया है। इससे अब पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर उसको इंटीग्रेटेड प्लानिंग में मदद मिलेगी। बजट में सबसे ज्यादा जोर इस बार भी किसान, गांव, गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित उन पर केंद्रित किया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसके लिए भी अब तक जितना हुआ है किसी भी वर्ष में ना हुआ हो इतना रिकॉर्ड आवंटन किया गया है। बजट में महिला कल्याण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं के लिए बजट में वृद्धि की गई है। स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा के लिए भी बजट में काफी बढ़ोतरी की गई है। ये बजट ग्रामीण के साथ साथ शहरी इलाकों में भी हाउसिंग सेक्टर को मजबूती प्रदान करने वाला है। रेलवे के बजट में एक बात पर विशेष बल दिया है और वो है रेलवे सेफ्टी फंड। इस फंड की मदद से रेलवे सुरक्षा पर पर्याप्त धनराशि खर्च करने में मदद मिलेगी। व्यक्तिगत इनकम टैक्स कम करने की घोषणा देश के मध्यम वर्ग को ज्यादा स्पर्श करती है, बड़ी महत्वपूर्ण है। 10% से एकदम 5% कर देना बड़ा साहसपूर्ण निर्णय है।